बॉलीवुड की दुनिया जितनी चकाचौंध भरी है अंदर से उतनी ही काली है। शुरुआत में जो इस दुनिया में कदम रखता है उनमें से कुछ काफी जल्दी बुलंदियों को तो छू लेते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से ही बिता सकें इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा ही कुछ इन हस्तियों के साथ हुआ है जिन्होंने काफी कम उम्र में तो आसमानों को छू लिया, लेकिन इनकी सक्सेस का अंत बहुत जल्द आ गया और हालात यूं हो गए कि एक समय पर इन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा गया था। कई नामी डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक कर चुकी 32 साल की मॉडल गीतांजलि नागपाल साल 2007 में भीख मांगती हुई मिली थी। उन्हें साउथ दिल्ली के एक पॉश बाजार में भीख मांगते हुए देखा गया था। मशहूर मॉडल से भिखारी बनने वाली गीतांजलि नागपाल को ड्रग्स की लत ने ऐसे जकड़ा कि वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नौकरानी तक बन गई थी। कभी सुष्मिता सेन जैसी हस्तियों के साथ कैट वॉक कर चुकी गीतांजलि आखिर एक दिन बदहवास हालत में फुटपाथ पर मिली। वहीं मुंबई पुलिस को लोखंडवाला की सड़कों पर भीख मांगती हुई और चोरी करती हुई एक और एक्ट्रेस मिली जिसका नाम था मिताली शर्मा। इस 25 वर्षीय एक्ट्रेस को मुंबई में लोखंडवाला पुलिस ने सड़कों पर चोरी करते हुए पकड़ा था। जब ओशीवारा थाने की दो लेडी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उन्होंने पुलिस को पहले तो बहुत गंदी गालियां दी, एक तरफ से अपना हाथ छुड़वाया तो दूसरे को काट कर भागने की कोशिश की। मिताली शर्मा मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली थी। वो भोजपुरी फिल्मों के साथ मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी कर चुकी हैं। घर वालों को छोड़ मिताली मुंबई अपनी किस्मत आजमाने आई थी, जिसके बाद परिवार वालों ने उनसे नाता तोड़ लिया। कुछ फिल्मों में काम और मॉडलिंग करने के बाद उन्हें पिछले काफी समय से काम नहीं मिल रहा था। पैसों की किल्लत की वजह से वो डिप्रेशन में भी चली गई थी और इसी वजह से वो सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गई थी। वहीं अगर बात करें बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस परवीन बाबी की, तो परवीन बाबी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कहीं सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली परवीन बाबी की मौत उनके मुंबई के ही अपार्टमेंट में हुई थी। 22 जनवरी 2005 को उनकी लाश उनके अपार्टमेंट से मिली थी। उनके पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी कि वो पिछले 3 दिनों से अखबार और दूध नहीं ले रही हैं। इसके बाद पुलिस ने उनका शव बरामद किया। परवीन मुंबई में काफी समय से अकेली रहती थी और वो बहुत ज्यादा गहरे डिप्रेशन में चली गई थी और उन्होंने अपने आप को दुनिया से पूरी तरह से काट लिया था। वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी और फिल्मों से अचानक गायब होकर वो गुमनामी में चली गई थी। परवीन बाबी की मौत से भी कई अनसुलझे सवाल जुड़े हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। वहीं अचला सचदेव एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपने जमाने की बहुत ही बेहतरीन अदाकारा रही थी। ए मेरी जोहरा जबी गाने में नजर आई ये एक्ट्रेस बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थी। अचला सचदेव का निधन अप्रैल 2012 में हुआ था। अचला 2002 में अपने पति की मौत के बाद से अकेले पुणे में रह रही थी। उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन एक जमाने में सुपर डुपर हिट देने वाली यही अचला सचदेव जब अपने आखिरी समय में थी, अस्पताल में थी, तो इनकी सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं था। अचला ने अपनी इस हालत के बारे में बॉलीवुड में कई लोगों से बात की, लेकिन फिर भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उनका बेटा अमेरिका में और बेटी मुंबई में रहती थी, लेकिन वो भी अपनी माँ के संपर्क में नहीं थे। फिर आखिर में जिस संस्था को अचला सचदेव दान दिया करती थी, उसी फाउंडेशन ने अंतिम समय में उनको सहारा दिया। उनके अकेलेपन को देखते हुए जनसेवा फाउंडेशन ने उन्हें अपने गेस्ट हाउस में रखा और जब उन्हें पुणे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वहां उनके इलाज का खर्चा भी जनसेवा फाउंडेशन ने ही उठाया था। अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस अलीसा के बारे में। इनका नाम तो आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी के साथ आईना फिल्म में काम कर चुकी है। अलीसा दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में भटकती हुई देखी गई थी। बॉलीवुड फिल्म माय हस्बैंड्स वाइफ में एक किरदार निभाने वाली अलीसा को घर से निकाल दिया गया था। दरअसल अलीसा की उनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ एक वीडियो ऑनलाइन लीक हो गई थी। अलीसा ने इस मामले में पुलिस में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। अपने साथ हुई इस नाइंसाफी के लिए अलीसा ने जब लड़ाई लड़ने की ठानी तो उनकी माँ और भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इस एक्ट्रेस को घर से ही निकाल दिया।
और इन्हें दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आपको लगता होगा कि बॉलीवुड सितारों की जिंदगी कितनी शानदार होती है, लेकिन इसी चकाचौंध के पीछे कुछ डार्क सीक्रेट्स भी छुपे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इन सभी डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।